हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। आज जो हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड ओमैन वर्सेस साउथ अफ्रीका ओमैन के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप का 9वां नंबर मैच खेला जाने वाला है उसके ऊपर देख लेंगे क्या होने वाला है आज का मैच प्रिडिक्शन, क्या होने वाला है आज का टीम कॉम्बिनेशन, साथ में देखेंगे क्या होने वाला है आज का अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले बताना चाहूंगा जो जो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जा रहा, आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात कर लेंगे क्या होने वाला है दोनों टीमों का रिसेंट 5 मैचों का स्टैट्स यानी कि फुल स्टैट्स, साथ में देखेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड यानी कि जब भी दोनों टीम इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस किया है तो कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि हमेशा अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है, साथ में देखेंगे प्लेयर बैटल, कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन एंड लास्ट में देखेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का क्या होने वाला अपना टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले देख लेंगे कि ये मैच कब कहां कितना बजे कौन सा टाइम पर खेला जाने वाला है। ये जो मैच खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है T20 ओमैन वर्ल्ड कप जो कि 9वां मैच होने वाला है शाम के 7:30 बजे 7 अक्टूबर को खेला जाने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर आपको जो है 6:30 में टॉस, 6:35 में लाइनअप और होपफुली 6:40 से लेकर 45 के अंदर फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसा खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपको तहलका मचाता हुआ देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसा भी खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपको फ्लॉप होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। पहले आपको यहां पर से देखने को मिल जाएगा स्काइवर, वॉट एंड स्क्लेस्टोन, ये तीनों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस मैच में आपको तहलका मचाता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ में दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ओलिवर दर्द, एम कैप एंड उसके साथ ट्रायन, इन तीनों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस मैच में फ्लॉप होगा और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस मैच में आपको ट्रम्प कार्ड के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ यानी कि दोनों टीम आमने सामने जब भी टकराया है तो कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि बार बार ड्रीम टीम का हिस्सा में देखने को मिला था। पहले यहां पर से गौर करेंगे तो कोई ऐसा जॉन से देखने को मिल रहा है लेकिन एक बार 66 पॉइंट के साथ ठीक है। उसके बाद यहां पर से कैप्सी दिख जाएगा, कैप्सी एक ही बार देखने को मिल रहा है, ऑलवर दर 2 बार देखने को मिल रहा है अच्छा खासा पॉइंट के साथ, वार्ड भी 2 बार अच्छा खासा पॉइंट के साथ, बोच दिख रहा है और स्काई बार दिख रहा है डन के लिए, नाइट स्काई बार भी 2 बार यहां पर से अच्छा खासा पॉइंट के साथ, बोच भी यहां पर बोच एक ही बार देखने को मिला है, खाका और यहाँ पर और कोई स्क्लेस्टोन 96-41 यानी कि कोई ऐसा खास खिलाड़ी नहीं है, बस यहाँ पर से ओलिवर दर्द, वॉट एंड जॉन्स, ये तीन खिलाड़ी जो है बार बार ड्रीम टीम का हिस्सा में शामिल होता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ है तो ड्रीम टीम कैसा देखने को मिला था। यहाँ पर गौर करेंगे कैप्टन बना था स्काउट एंड वाइस कैप्टनसी बना था गार्डनर, वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे स्मिथ कैप्टन बना, वाइस कैप्टनसी डेन बना। यहां पर भी बॉलिंग सेक्शन का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑलराउंडर एंड बॉलर से यहां पर भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी बॉलिंग से देखने को मिला है। कुल मिलाकर ये मैच जो है आपको एज ए बॉलिंग फ्रेंडली देखने को मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। इसके जरिए आप सीधा ये वाला चैनल पर आ सकते हो, नीचे जो है ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इनकेस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस। इस ग्राउंड का जैसे डेप्थ एनालिसिस देखेंगे एवरेज स्कोर 130 से लेकर 150 के आसपास होने वाला है, हाईएस्ट टोटल 151 हुआ है, लोएस्ट टोटल 47 रन हुआ है। यहां पर टोटल मैच 18 खेला गया जिनमें से 10 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीता और 8 मैच बैटिंग सेकंड ने जीता, ऑलमोस्ट इस चीज को हम लोग इक्वेलिटी मान के चल सकते हैं। वहीं पर वर्ल्ड कप T20 का स्कोर पैटर्न की बात करेंगे तो यहां पर स्कोर 150 से नीचे 16 बार बना, 150 से लेकर 160 के बीच में 2 बार बना, यानी कि कुल मिलाकर आपको जो है 140 के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिल जाए 130-140 के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड में जब भी मैच हुआ है तो स्कोर कार्ड ऑलमोस्ट कैसा देखने को मिला था। यहां पर देखने को मुझे इंग्लैंड ओमैन बांग्लादेश ओमैन के बीच में मैच हुआ जहां पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए यह मैच को विन किया। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर 5, सेकंड इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर ने 5 विकेट, दोनों ही जगह पर स्पिनर का आंकड़ा ज्यादा है। दूसरी तरफ ध्यान देंगे श्रीलंका ओमैन ऑस्ट्रेलिया ओमैन के
के बीच में मैच हुआ, जहां पर श्रीलंका ओमन ने 93 रन बनाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओमन ने ये मैच चेजिंग कर लिया था, जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 3 स्पिनर 4, सेकंड इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर ने 2 विकेट निकाले। यहां पर भी कुल मिलाकर स्पिनर का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पेसर। तीसरा मैच की बात करेंगे, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ओमन के बीच में मैच हुआ, जहां पर 116 किया पाकिस्तान ने, श्रीलंका डिफेंड करते हुए यह मैच हार गया। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 3 स्पिनर 7, सेकंड इनिंग में पेसर ने 2 स्पिनर ने 7 विकेट। यहां पर भी स्पिनर का आंकड़ा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरी तरफ ध्यान देंगे, 3 अक्टूबर का मैच हुआ बांग्लादेश ओमन एंड स्कॉटलैंड ओमन के बीच में, जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 1 स्पिनर 5, सेकंड इनिंग में पेसर ने 3 स्पिनर ने 3, यहां पर भी स्पिनर का आंकड़ा ज्यादा है। कुल मिलाकर आपको जो है स्पिनर एक अच्छा खासा रोल निभाता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस, यानी कि पर्टिकुलर कौन कौन ऐसा बॉलर होने वाला है जो कि इस मैच में आपको तहलका मचाकर दे सकता है। लास्ट 8 मैचों के अंदर पेसर ने निकाला 33 विकेट, स्पिनर ने निकाला 64 विकेट, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना विकेट निकाला है पेसर के कंपैरिजन में। यहां पर से पेसर की बात करेंगे, राइट आर्म फास्ट को 1 भी विकेट नहीं मिला, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 11 विकेट, राइट आर्म मीडियम को 18 विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 4 विकेट। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट मिला है राइट आर्म मीडियम को पेसर के अंदर। लेकिन स्पिनर के अंदर की भी बात करेंगे तो आपको लेग ब्रेक, राइट हैंड लेग ब्रेक को मिला 18 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 23 विकेट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 23 विकेट। सबसे ज्यादा विकेट मिला है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक को जो है इस ग्राउंड में अच्छा खासा विकेट मिला है 23-23 करके, यानी कि दोनों मिलकर टोटल ऑलमोस्ट 46 विकेट निकालकर लेकर गया सिर्फ और सिर्फ दो बॉलर ने। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल। इन दोनों के बीच में टोटल 23 मैच खेला गया, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 4 बार जीता और 19 बार इंग्लैंड ने जीता। रिसेंट 5 मैचों की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका 5 में से 3 मैच जीता है, 2 मैच हारा है। वहीं पर दूसरी तरफ इंग्लैंड ओमन की बात करेंगे, 5 में से 4 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी कि जीतने के परसेंटेज की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका का 30, इंग्लैंड का 70% होने वाला है। लेकिन मुझे क्यों ना क्यों लग रहा है ये मैच 50-50 होने वाला है, मुझे लग रहा है, यह मेरा पर्सनल थॉट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11। पहले दिख जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑलवर दर्थ एंड ब्रिट्स ओपन करता हुआ, ऑन डाउन पर आपको दिख जाएगा एम कैप एंड क्लार्क के दिख जाएगा ऑन डाउन एंड टू डाउन पर। यहां पर से क्लार्क जो है आपको 4 ओवर कंप्लीट डालेगा, यहां पर से एम कैप भी 4 ओवर डालेगा, जिनमें से पावर प्ले में 2 से लेकर 3 ओवर रखेगा और 1 ओवर कभी भी डाल सकता है। क्लार्क का भी सेम होने वाला है, पावर प्ले में 2 से लेकर 3 ओवर और 1 ओवर कभी भी डाल सकता है। उसके बाद आपको ट्रायन दिख जाएगा राइट हैंड बैट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मिड में बॉलिंग करेगा, डेथ में भी बॉलिंग करने आएगा। फिर एसलूस दिख जाएगा राइट हैंड बैट लेग ब्रेक, अगर बॉलिंग डलाता है तो लेग ब्रेक के लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दे सकता है। मैं पर दूसरी तरफ बोच की बात करेंगे, राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, बॉलिंग कराने का चांसेस बहुत ही कम है, ये चीज ध्यान रखना। फिर जफ्ता दिख जाएगा राइट हैंड बैट विकेट कीपर, बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, अगर जल्दी विकेट गिरता है तो उस दौरान यहाँ पर से जफ्ता अपने लिए एक इंपॉर्टेंट सा पिक साबित हो सकता है ड्रीम टीम के लिए। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा डेकोरेशन राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, 4 ओवर अपना कंप्लीट करके जाएगा। फिर आपको दिख जाएगा खाका राइट आर्म मीडियम, उसके बाद आपको दिख जाएगा मलबा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। मलबा बहुत ही क्वालिटी बॉलर है, टीम में ले चलो एक आध में, चाहो तो सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, किसको, मलबा को। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से बात करेंगे, आपको पहले ओपन करता हुआ देखने को मिल जाएगा बाउचर एंड आपको दिख जाएगा यहाँ पर से वॉट, ये दोनों खिलाड़ी ओपन करता हुआ इंग्लैंड की तरफ से दिखेगा। ऑन डाउन पर आपको स्काइपर ब्रांड दिख जाएगा, जो कि आपको 4 ओवर बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, जहां पर 2 से लेकर 3 ओवर पावर प्ले में और 1 ओवर कभी भी डालने का चांसेस बन सकता है। वहीं पर आपको दिख जाएगा नाइट राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, बॉलिंग नहीं डलाएगा लेकिन हाँ कभी कभी 1-2 ओवर डाल लेता है, और अगर 1-2 ओवर में विकेट मिल जाता है उस दौरान जो है आपको आगे भी, यानी कि 3 ओवर भी कंप्लीट करता हुआ देखने को मिल सकता है नाइट। वहीं पर दूसरी तरफ केएफसी राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ये अपना 4 ओवर कंप्लीट करेगा, ये चीज ध्यान रखना, साथ में बैटिंग भी करके देगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है केएफसी। फिर जॉन्स दिख जाएगा राइट हैंड बैट विकेट कीपर, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा गिब्सन राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम। गिब्सन डेथ में बॉलिंग करने आएगा, पावर प्ले में होपफुली 1 से लेकर 2 ओवर डालने का चांसेस बन सकता है। उसके बाद डेन दिख जाएगा राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ये भी अपना 4 ओवर कंप्लीट करने का चांसेस है। उसके बाद स्क्लेस्टन दिख जाएगा, ये तो कंफर्म अपना 4 ओवर डालेगा ही डालेगा, कंफर्म एकदम 100% डालेगा। फिर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर स्क्लेस्टन जो है एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का भी बेस्ट ऑप्शन है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपको ग्लेन दिख जाएगा लेग ब्रेक, ये 2-3 ओवर पकड़ के चलो। उसके बाद आपको देखने को मिल जाए स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा बहुत डाउटफुली मैं रहूंगा स्मिथ को लेकर, आगे आप लोग ट्राई कर लेना, उस हिसाब से पिच के अकॉर्डिंग मैं स्मिथ को ट्राई करूंगा अपना टीम में। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे अपना साउथ अफ्रीका का क्या होने वाला है रिसेंट परफॉर्मेंस।
पहले दिख जाएगा यहाँ पर से आपको ऑलवर दर्द, जहां पर 59 रन लास्ट मैच में पारी दिया, 29, 33, 45, 36 हेड टू हेड में 9 मैच में 189 के साथ 27 का एवरेज, ग्राउंड पर मैच नहीं है। ओलवर दर्द को एक दो टीम में लेकर चल सकता हूँ, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। जो लोग रिस्क टेकर हो वो लोग एक आध में एज ए वाइस कैप्टन से भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दिख जाएगा ब्रिट्स, 57 रन 22 रन 0 0 9 हेड टू हेड में 4 मैच में 166 के साथ 42 का एवरेज है, ग्राउंड पर अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। ब्रिट्स को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में रहूंगा, आप लोग चाहो तो अपना टीम में लेकर चलो। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन दिया था, आई थिंक सो वो मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट में था, मे बी सो, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो अपना टीम में लेकर चल सकते हो। दूसरी तरफ आपको देख जाएगा एम कैप राइट हैंड बैट राइट हैंड मीडियम, 2 विकेट 14 के साथ 2 विकेट 26 के साथ 1 26 के साथ 3 विकेट और 30 रन के साथ 1 विकेट। हेड टू हेड में 12 मैच में 129 रन का पारी दिया, 3 विकेट निकाला है, ग्राउंड पर अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। यहाँ पर बात करेंगे तो 2 विकेट निकाला, बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा स्कोर करके देने का चांसेस है, बॉलिंग भी कराएगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन एम कैप बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा एंडी क्लार्क के, 0 विकेट 4 के साथ 0 विकेट 11 के साथ 0 0 विकेट 12 के साथ 0 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच में 0 के साथ 1 विकेट, ग्राउंड पर मैच नहीं खेला है। एंडी क्लार्क के बॉलिंग करता हुआ देखिएगा, पावर प्ले में भी डालेगा, डेथ में भी डालने का चांसेस है, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं टीम में जगह बनाकर देना बनता है। दूसरी तरफ ट्रायन राइट हैंड बैट लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स, 0 विकेट 24 के साथ 0 2 के साथ 0 1 विकेट 30 के साथ 0। हेड टू हेड में 19 मैच में 228 रन के साथ 9 विकेट निकाला है। लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स को इस ग्राउंड पर अच्छा खासा विकेट भी मिला है, तो टीम में लेकर चलना बनता है क्योंकि स्पिनर को इस ग्राउंड पर थोड़ा ज्यादा मदद मिला है कंपेयर टू पेसर, ठीक है। दूसरी तरफ लूज की बात करेंगे, राइट हैंड बैट लेग ब्रेक, 0 विकेट 3 के साथ 0 7 के साथ 1 14 के साथ 1 53 के साथ 1 विकेट निकाला है। ग्राउंड पर 14 मैच में 105 के साथ 4 विकेट, हेड टू हेड में ग्राउंड पर मैच नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉप करके चलूंगा क्योंकि लूज जो भले ही लेग ब्रेक हो लेकिन बॉलिंग बहुत ही कम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा बोच, बैटिंग नहीं है, 3 रन 5 रन 46 रन 24 रन। हेड टू हेड में 5 मैच में 128 के साथ 2 विकेट निकाला, ग्राउंड पर मैच नहीं है। यहाँ पर बोच के बारे में मैं थोड़ा सा डाउट में रहूंगा, इनफैक्ट ड्रॉप करके भी चल सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी तरफ जफ्ता की बात करेंगे, बैटिंग नहीं है, 0 बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, 5 मैच में 8 रन, ग्राउंड पर मैच नहीं है, ड्रॉप करके चलेंगे। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा डार्कसेन, 0 विकेट 1 विकेट 19 के साथ 0 44 के साथ 0 1 विकेट। हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, राइट एम मीडियम में थोड़ा सा डाउट में रहूंगा, इनफैक्ट ड्रॉप भी करके चलूंगा क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस में भी कुछ खास दिख नहीं रहा। बैटिंग से थोड़ा बहुत सही कर गया, विकेट अगर जल्दी गिरता है तो उस दौरान शायद बैटिंग आ जाए, तो उस दौरान कुछ करके दे जाए या तो फिर बैटिंग ऊपर ले जाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा खाका, 0 विकेट 5 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 7 मैच में 11 विकेट, हेड टू हेड में ग्राउंड पर मैच नहीं है। यहाँ पर खाका एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी होने वाला है, टीम में लेकर चलिए, साथ में एक आध टीम में अगर चाहे तो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं खाका को, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी तरफ आपको मलवा दिख जाएगा यहाँ पर से, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड में 4 मैच में 4 विकेट, ग्राउंड पर मैच नहीं है। मलवा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इस ग्राउंड पर बहुत ही तगड़ा तरीके से विकेट मिला है, और ऐसे भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मलवा एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सा पिक बन सकता है, तो टीम में जरूर से जरूर जगह बनाकर दीजिए। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा बॉलिंग करते हुए एम कैप, खाका एंड मलवा। डेथ में दिख जाएगा आपको क्लार्क के, ट्रायन एंड खाका। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आपको दिख सकता है, नहीं लग रहा मुझे, कोई नहीं लग रहा कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आएगा, फिर भी देखते हैं कि क्या कुछ होता है प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर चेंजेस। आगे फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्यों मैं हमेशा माई मास्टर 11 को लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलता हूँ। उसका पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है 1 करोड़ का मेगा लीडर बोर्ड, जहां पर आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरा 5 टीमों के साथ कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। उसके साथ साथ माय मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है 100% बोनस एलिजिबल कॉन्टेस्ट, लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस। उसी के साथ साथ माय मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है नो जीएसटी नो टीडीएस। उसी के साथ आपको माय मास्टर 11 प्रोवाइड करता है, अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे और ये वाला रेफर कोड यूज़ करेंगे शकील 44, तो थोड़ा ईजी तरीके से लिख देता हूँ SAKIL शकील 44, तो आपको जो फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश दिया जाएगा, जिनके साथ आप इजीली
कोई भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा माई मास्टर 11 पर चल रहा है एक धमाकेदार ऑफर, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो यह है कि नवरात्रि स्पेशल ऑफर। नवरात्रि स्पेशल ऑफर एक्चुअली में है क्या, नवरात्रि स्पेशल ऑफर यानी कि आप 100 रुपये से लेकर 999 तक डिपॉजिट करोगे तो 5% रियल कस मिलेगा, आप 1000 से लेकर 9000 तक करोगे तो 6% मिलेगा, अब 10000 से लेकर 99000 तक करोगे तो 7% मिलेगा, अब 10000 से लेकर 10000 से लेकर 1 लाख तक करोगे तो आपको मिल जाएगा 8% रियल कैश, 10 लाख के और 10 लाख के ऊपर करोगे तो आपको मिल जाएगा 9% का रियल कैश। कुल मिलाकर इस टाइम जो चल रहा है, इस टाइम पर कोई भी कंपनी, कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन से GST TDS भरा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर से माई मास्टर 11 आपको एक्स्ट्रा रियल कैश के ऊपर एक्स्ट्रा रियल कैश प्रोवाइड करे जा रहा है। तो अगर आपके वॉलेट में ऑलरेडी पैसा पड़ा है, आप मान लेते हैं आपका विनिंग में 10000 पड़ा है, अब इसको भाई क्यों डिपॉजिट करेंगे आप? आपका कहना सही है कि क्यों डिपॉजिट करें जब ऑलरेडी पैसा पड़ा है, कहना सही है। अब अगर ये 10000 को आप विड्रॉ करेंगे तो आपके अकाउंट में विद इन 15 मिनट 10000 आ जाएगा, क्योंकि GST नहीं लगता, तो GST नहीं लगेगा, तुरंत विड्रॉ हो गया। अब इसी 10000 को फिर से डिपॉजिट करेंगे तो 10700 रुपये आपको मिल जाएगा, क्योंकि TDS नहीं है। 700 रुपये क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 7% रियल कैश है, तो 700 रुपये अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आपका पैसा पैसा ही है, लेकिन 700 रुपये एक्स्ट्रा रियल कैश मिल गया। समझ में आ गया ना लॉजिक? तो देर ना करते हुए जल्दी जाओ, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है विड्रॉ मारो फिर डिपॉजिट करो, जिसके पास अभी तक डिपॉजिट नहीं किया वो लोग जाकर डिपॉजिट करो, जिन जिन भाइयों ने अभी तक डाउनलोड तक नहीं किया वो लोग जाकर डाउनलोड करो, और ये वाला रेफर कोड यूज़ करो SAKIL44। तो फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल का साथ में अलग से एक्स्ट्रा रियल का। तो देर किस बात का, जल्दी जाओ जाकर डाउनलोड कर लो माई मास्टर 11 को और लुत्फ उठाओ अपना इतना सारा ऑफर का। फिलहाल के लिए देख लेंगे आप लोग इंग्लैंड की तरफ से, पहले दिख जाएगा बाउचर 23 रन 12 रन 17-10-0 हेड टू हेड में 4 मैच में 28 रन का पारी, ग्राउंड में 1 मैच में 23 रन का पारी दिया है। ठीक ठाक खिलाड़ी है टीम में, ले चलो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। और इनकेस मान के चलो कि इंग्लैंड का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है, उस दौरान VCB आप ट्राई कर सकते हो एक आध में। दूसरी तरफ आपको देखने को मुझे डैनी वॉट राइट हैंड बैट्समैन 41-35-7-2-0 हेड टू हेड में 16 मैच में 234 रन का पारी दिया है, एवरेज 20 का है, ग्राउंड में 4 विकेट निकाला है, ग्राउंड में 3 मैच में 44 रन का पारी दिया है। डी वॉट एक अच्छा खासा खिलाड़ी है, क्लासिकल बैट्समैन है, टीम में ले चलो। जैसे कि मैंने अपना बाउचर के बारे में बताया, अगर पहले बॉलिंग हुआ तो आप यहाँ पर से वॉट को भी VC दे सकते हो। फिर आपको देखने को मुझे स्काइपर ब्रंट राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम 2 के साथ 1 विकेट 31 रन 12 के साथ 1 0 के साथ 0 34 के साथ 2 विकेट हेड टू हेड में 14 मैच में 256 के साथ 21 के एवरेज 7 विकेट निकाला, ग्राउंड में 1 मैच में 3 रन के साथ 1 विकेट निकाला। स्काइपर ब्रांड की बात करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन का थोड़ा सा सेफ ऑप्शन होने वाला है, चाहे बैटिंग पहले करे चाहे बॉलिंग पहले करे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा आपको नाइट 6 रन 7 रन 5 रन 24 36 हेड टू हेड में 13 मैच में 212 के साथ 2 विकेट, ग्राउंड में 1 मैच में 6 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस में जो दिख रहा है, रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, उल्टा मतलब डाउनफॉल हो रहा है, उसके अलावा बॉलिंग भी नहीं डाल रहा है, अगर शायद बॉलिंग डाल ले तो 1-2 विकेट मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं पर दूसरी तरफ KFC राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक 9 रन 3 रन 40 30 के साथ 0 10 रन हेड टू हेड में 4 मैच में 75 के साथ 1 विकेट, ग्राउंड में 1 मैच में 9 रन। ये लास्ट 3 मैचों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक भी ओवर बॉलिंग नहीं डाला है, तो इसी वजह से KFC को कैप्टन वाइस कैप्टन से चुनना थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपको जॉन्स दिख जाएगा राइट हैंड बैट विकेट कीपर 12 रन 6 रन 2 रन 0 1 हेड टू हेड में 13 मैच में 157 के साथ 26 के एवरेज, ग्राउंड में 1 मैच में 12 रन का पारी दिया है। जॉन्स को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में रहूंगा, लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि भाई उधर में से 1 विकेटकीपर छोड़कर आऊँगा तो जॉन्स को लेना पड़ेगा, वो मतलब कोई ना मतलब किसी ना किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा, वो सिचुएशन के अनुसार रखेंगे, यानी कि टॉस के ऊपर डिपेंडेबल होगा पूरा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा गिब्सन 7 रन 22 के साथ 0 2 के साथ 0 22 के साथ 0 2 विकेट हेड टू हेड नहीं है, ग्राउंड में 1 मैच में 7 रन। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डलाया, शायद इस मैच पर भी बॉलिंग ना डलाए, तो इसी वजह से ड्रॉप करके चल सकते हैं। दूसरी तरफ डेन दिख जाएगा 4 के साथ 2 विकेट 1 विकेट 8 के साथ 1 विकेट 1 के साथ 0 3 विकेट हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, ग्राउंड में 1 मैच में 4 रन के साथ 2 विकेट। यहाँ पर से डेन जो है बॉलिंग डलाएगा तो टीम में ले चलो CVC थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा, लेकिन राइट आर्म ऑफ ब्रेक होने के कारण एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, तो उस दौरान ट्राई कर सकते हो। दूसरी तरफ स्केलेस्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स क्वालिटी बॉलर है 8 के साथ 0 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 26 के साथ 0 हेड टू हेड में 9 मैच में 35 के साथ 14 विकेट, ग्राउंड में 4 मैच में 5 विकेट निकाला है। होपफुली नेक्स्ट मैच में स्केलेस्टन आपको 2 विकेट से लेकर 3 विकेट लेता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इसी वजह से आप जो है स्केलेस्टन को अपना टीम में जगह बनाकर दे सकते हो। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट
और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा ग्लेन। एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, दो विकेट, हेड टू हेड में 6 मैच में 5, ग्राउंड में 1 मैच में 1 विकेट निकाला है। यहाँ पर से ग्लेन की बात करेंगे, मैं उस तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग वालों स्पेशली ग्लेन से जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही बेस्ट होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ स्मिथ 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 0 विकेट 3 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 3, ग्राउंड में 1 मैच में 2 विकेट, जो कि लास्ट मैच में निकाला है। रीजन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डलाएगा तो विकेट जरूर लेकर जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा बॉलर होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा स्काइबर, स्मिथ एंड डेन, डेथ में दिख जाएगा आपको स्काइबर, डेन एंड स्केलेस्टोन। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बेल आने का चांसेस बन सकता है, और उसके अलावा यहाँ पर से कैंप का भी आने का चांसेस बन सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई भी खिलाड़ी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आने का चांसेस हो सकता है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल में डी वॉट को खाका एंड एम कैप दोनों ने चटकाया है। खाका ने 24 गेंदों पर 31 रन दिया, 3 बार विकेट निकाला। यहाँ पर खाका के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है कौन, वॉट। वहीं पर एम कैप ने 75 गेंदों में 60 रन दिया, 4 बार निकाला। यहाँ पर स्कोर के मामले में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, विकेट के मामले में भी ऑलमोस्ट दिख रहा है। स्काइबर को खाका एंड एम कैप दोनों ने चटकाया है। खाका ने 25 में 27 दिया, 2 बार निकाला। स्काइबर जो है यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ, एम कैप की बात करेंगे 57 में 63 दिया, 3 बार निकाला। यहाँ पर एवरेज बोल सकते हैं इस चीज़ को एज ए T20 के अकॉर्डिंग। केप्सी की बात करेंगे तो मलबा ने 11 में 4 रन दिया, 2 बार निकाला। यहाँ पर केप्सी जो है मलबा के सामने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे ट्रायन को स्केलेस्टोन एंड स्काइबर दोनों ने चटकाया है, मतलब आउट किया है। 27 में 22 दिया, 5 बार निकाला। यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ ट्रायन स्केलेस्टोन के सामने, स्काइबर ने 22 में 25 दिया, 2 बार निकाला। यहाँ पर भी ट्रायन स्ट्रगल करता हुआ स्काइबर के सामने। ओलिवर दर्द को स्केलेस्टोन एंड स्काइबर दोनों ने चटकाया है, आउट किया है। स्केलेस्टोन ने 97 में 96 रन, 5 बार निकाला, एवरेज प्रदर्शन। और स्काइबर की बात करेंगे 22 में 23, एक बार का कुछ बोल नहीं सकता। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिट्स को कैंप ने 15 गेंदों में 12 रन दिया, 2 बार निकाला। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिट्स कैंप के सामने स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे अपना टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार दिखने वाला है। अपना विकेट कीपर सेक्शन में रखेंगे जॉन्स को, बैटिंग में रखेंगे ओलिवर दर्द, डी वॉट, ओलिवर दर्द एंड ब्रिट्स। ऑलराउंडर में रखेंगे यहाँ पर से स्काइबर, ट्रायन एंड एम कैप। एंड बॉलिंग में रखेंगे हम लोग यहाँ पर से स्केलेस्टोन, ग्लेन, डेन एंड मलवा। फिलहाल के लिए कैप्टन हम लोग एम कैप एंड वाइस कैप्टन से स्काइबर को देकर रखें। हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम लोग कैप्टन यहाँ पर से स्काइबर को एंड वाइस कैप्टन से यहाँ पर से ग्लेन और स्केलेस्टोन को भी दे सकते हैं। रही बात फुल एंड फाइनल टीम का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे अपना कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ आप अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी चुन सकते हो, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन से भी चुन सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन से का ऑप्शन में आपको दिख जाएगा स्काइबर, स्केलेस्टोन, एम कैप एंड ओलिवर दर्द। ये 3-4 खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपने स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पे चुन सकते हो। दूसरी तरफ आपको देखने जाएगा ब्रिट्स, ट्रायन एंड गिब्सन एंड उसके साथ साथ ग्लेन, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर जाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप भी जो है अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।